दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार भगवान हनुमान को शिव का रुद्रावतार माना गया है। हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त और समर्पण के प्रतीक हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित किया। बजरंग बली शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। हनुमान जी को महावीर, मारुति, पवन पुत्र, अंजनेय नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति उचित नियमों और भक्ति के साथ भगवान हनुमान की पूजा करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान हनुमान को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों महावीर के मंत्रों के उच्चारण से सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति को प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों हनुमान जी को बजरंग बली के नाम से भी पुकारा जाता है। बजरंग बली का अर्थ है जिसके पास हीरे वज्र जैसा शरीर हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। बली का अर्थ है शक्तिशाली। हनुमान जी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली के मंत्र जाप करने से ही लोगों को परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके जाप से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों मंत्र कृपया ध्यान से सुने, अगर जरूरत पड़े तो मंत्र को आप लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद आप इसका जाप कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूले ताकि हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। मंत्र एक बार पुनः आप सुन लें, ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय राम दूताय स्वाहा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।